हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मीज फूड बास्केट। तो आज मैं आपके साथ हिमाचल की एक फेमस डिश की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हम अम्बुआ कहते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में सरसों का तेल लेंगे और उसे अच्छे से पकने देंगे। फिर हम इसमें एक चम्मच मीठी सौंफ और एक चम्मच जीरा डालेंगे। दोनों चीज़ों को हल्का पका के हम इसमें डालेंगे लंबा कटा हुआ प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज के हल्के पकने पर हम इसमें डालेंगे चुटकी भर हींग। हींग को मिला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गर्म मसाला, एक चम्मच हल्दी और आधा चम्मच मेथी पाउडर। इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज के साथ पका लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच नमक, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पके हुए आमों का रस और साथ में ही जो इसकी गुठलियां हैं वो भी डाल लेंगे। गुठलियां डालना या ना डालना वो आपकी पर्सनल चॉइस है। अब हम इसे लो फ्लेम पर करने देंगे जब तक हमारी जो तरी है वो गाढ़ी नहीं हो जाती। तो अब हमारा अम्बुआ ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी। तो अब ये रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब हमारा अम्बुआ ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें एक कप दही का डालेंगे। अम्बुआ जो है वो बिना दही के भी बनाया जाता है, तो आप इसे दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो दही लगाने के बाद अब हमारा अम्बुआ जो है वो रेडी है। हम इसे सर्व करके किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। चावलों के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप भी इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।